श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये किया, लोग मुझे गलत गलत मैसेज भेज रहे हैं और गाली बक रहे हैं। मुझे किसी तरीके से न्याय दिलाइए। मैं घर से नहीं निकल रहा हूँ। मैंने कोई गलत काम किया हो तो मुझे सजा दी जाए। लोग गालियाँ दे रहे हैं हमको, लोग गालियाँ दे रहे हैं हमको। राजधानी लखनऊ में प्राण प्रतिष्ठा पर भगवा झंडे बांटने पर मुस्लिम व्यक्ति को जान से मारने की धमकी मिल रही है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को फखरुद्दीन कुरैशी द्वारा भगवा झंडे बांटते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में कुरैशी ने गले में भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहना हुआ है। वीडियो के अनुसार कुरैशी ने लखनऊ के विभिन्न हिस्सों में भगवान राम का नाम लिखा भगवा झंडा बांट रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद फखरुद्दीन कुरैशी को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसको लेकर फखरुद्दीन कुरैशी ने एक वीडियो भी जारी कर यूपी सरकार और पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। वीडियो में कुरैशी ने कहा था कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों की एकता के लिए झंडे बांटे। वहीं फखरुद्दीन कुरैशी ने मीडिया से भी बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं फखरुद्दीन कुरैशी। सर भाई, क्या मामला है, किस लिए आप लोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ कि मैंने हिंदू मुस्लिम एकता में हिंदू भाइयों का सम्मान किया 22 तारीख को, और उसके बाद मैंने ना ही हिंदू धर्म को और ना ही मुसलमान धर्म को मैंने कोई भी ठेस नहीं पहुंचाई, लेकिन मेरे पर व्हाट्सएप पे धमकियां और फोन आ रहे हैं कि मतलब मुझे जो है खतरा है मुझे। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे साथ इंसाफ हो। अगर मैंने गलत किया हो तो मेरे साथ गलत हो, वरना अगर सही किया हो तो इंसाफ हो। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा था, पूरा देश उस माहौल में था, आपने जो नेक कार्य किया उसके लिए इसके बाद कौन लोग जो धमकी दे रहे हैं? एक आमिर शेख है, चिकमंडी में रहता है, उसने मेरे ऊपर बहुत व्हाट्सएप पे, मैंने सब मीडिया बंधु भाइयों को सबको मैंने व्हाट्सएप किया है, मंत्रियों वगैरह सबको मैंने किया है, लेकिन मुझे कोई किसी तरीके की मदद नहीं मिल रही है। मैंने भाई हिंदू भाइयों का खाली सम्मान किया था, ना ही मैंने नारा लगाया था, ना ही मैंने हाथ उठाया था। कहाँ पे सम्मान किया था? किसने? मैंने गोमती नगर 1090 के पास किया था और आपके अवध के लार्क होटल के पास किया था, कई जगह मैंने किया था। किस तरह का सम्मान दिया था? बस भाइयों को गमछा मतलब पहनाया था और झंडे मैंने बांटे थे बस। मैंने पुलिस वजीरगंज इंस्पेक्टर साहब को मैंने फोन किया था कल दोपहर में, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कोर्ट में हूँ, बाद में बात करता हूँ। उनका कोई फोन नहीं आया। मैं परसों रात से अपने घर से कहीं नहीं निकला हूँ। धमकियाँ ये मिल रही कि बयान अपने वापस करो, एक वीडियो बनाओ, इस्लाम से तुम खारिज हो चुके हो, और ये है वो है, मतलब दुनिया तरीके की बातें की जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें, तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जो इस मामले में, जो रामलला का मामला था, जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए जी, और आपने भी लिया, तो ऐसा क्यों उनको बुरा लगा या जो भी है? हमारे कुरैशी समाज में और मुस्लिम समाज में कुछ बगैर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, जिनको मतलब मालूमात नहीं है। अब आगे आप शासन प्रशासन से क्या? बस शासन से मैं चाहता हूँ मेरे साथ न्याय हो, मेरी सुरक्षा दी जाए, बस मेरे साथ इंसाफ हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा अली भाई नाम नहीं, फखरुद्दीन कुरैशी नाम है मेरा, और मैं उस बंदे को जानता भी नहीं हूँ। लोगों ने मुझे बताया कि आमिर शेख चिकमंडी गोंदू कुलिया में रहता है, और उसके व्हाट्सएप मैसेज सब पड़े हुए हैं, वो मैंने स्क्रीनशॉट खींच के सब मैंने माननीय मंत्री ब्रजेश पाठक जी को, दानिश आजाद जी को और जयवीर सिंह साहब को, मैंने सबको उनके पर्सनल नंबरों पे मैंने किया है, लेकिन मुझे किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिल रही। मैं किससे मिलूँ? घर से निकलूँ तो मुझे कुछ, मैं घर का इकलौता हूँ कमाने वाला, मैं अगर निकलूँ तो मेरे साथ कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगा? मेरे घर वाले भीख मांगेंगे। मैं कोई क्षेत्रीय थाना सुनने के लिए तैयार नहीं है, कुछ नहीं।
मेरा नाम संदीप शुक्ला है। संदीप जी, जिस तरह का मामला इनके साथ हुआ, आप लोग क्या कहेंगे जिस तरह का मामला हुआ? मामले को हमको हिंदू नेता राहुल जी ने कल बताया था, तो हमारी गणसूची में 5 बजे स्वयं सेवक गए थे अयोध्या, वहाँ से लौट के आए थे। तो मैंने कहा बाद में बात करेंगे, लेकिन रात में जब हमारी राहुल से बात हुई, राहुल ने कहा कि बहुत परेशान है, कुरैशी जी से आप बात करिए। हमने इनसे बात की थी, फ़ोन पर रोने लगे। उसके बाद इन्होंने वीडियो भेजा, मुझे बहुत परेशानी है। हमने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया था कल रात में, और उनके प्रतिनिधि ने उठाया, उन्होंने कहा कि आप परेशान न होंगे। आज के दिन हमारे समाज से मुस्लिम भाइयों के कोई गुरु हैं, उनका कुछ गेस्टेक छुट्टी है, इस वजह से उन्होंने कहा था कि आज नहीं, शाम तक या अगले दिन मैं इनको बुला के इनसे बात करूँगा। और हमें तो इनका कार्य इतना अच्छा लगा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एकता का मिसाल इन्होंने किया, और राम मंदिर भव्य मंदिर में इन्होंने जो कार्य किया है, वो तो हम कहते हैं लक्ष्मणपुरी की धरती पे सर्वप्रथम कोई व्यक्ति काम किया है, बहुत सराहनीय कार्य है। और इसके लिए हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से मैं एक चीज़ कहता हूँ, अपने बिंदु की तरफ से इन कुरैशी जी के लिए जो ये कहेंगे, मुस्लिम मंच की तरफ से मैं इंद्रेश जी से भी बात करके इनके साथ बैठक भी कराऊंगा। आपका संगठन से जुड़े हुए हैं, तो आगे आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? हमारे संगठन मतलब मेरा परिवार है, कुरैशी जी मेरे परिवार के हो गए, मुस्लिम मंच हमारे RSS में है, इंद्रेश जी उसको चीज़ को देखते हैं, और कुरैशी जी की अब हमें पूरी इनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और शासन प्रशासन से मैं चाहे जिस प्रकार से लड़ झगड़ के कुरैशी जी के परिवार में अपने परिवार का वो सदस्य बनाता हूँ, बनाना चाहता भी हूँ कि जैसे राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे, उस प्रकार से मैं कुरैशी जी को रखता हूँ। जिस तरह की धमकियाँ मिल रही है, उससे RSS का लोग क्या करने जा रहे हैं? RSS के लोग यही है कि शासन प्रशासन अपना है, हम तो एक ही चीज़ कहेंगे, बाबा जी अभी हैं। कम शब्दों में बात किया जाए तो बाबा जी अभी हैं, ये सब सूचनाएं बाबा जी के पास जाएंगे, तो कुरैशी जी के लिए जो मैं करूंगा उससे बहुत बड़ा बाबा जी। इन्होंने बताया एक दिन से घर से बाहर निकले, आगे आप लोग का अगला कदम क्या? दो दिन से घर से बाहर ये नहीं निकले, लेकिन उस समय क्या प्रशासन शासन सब व्यस्त था, महोदय आप लोग भी सब व्यस्त थे, हम लोग ये कार्य पद्धति में थे, लेकिन जैसे हमको सूचना मिली 24 घंटा हुआ उसके बाद, देखिए आपके साथ ही मैं इनके घर पर भी आके खड़ा हूँ और इनकी पूरा मदद करने के लिए कहूँ, और कल कमिश्नर साहब के यहाँ हमारी अपॉइंटमेंट भी है कुरैशी जी के साथ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल V News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।